न्यूज स्पॉन्सर बाय रियलमी स्मार्ट स्टोर भंडारा शहर में आप सबके लिए लेकर आया है रियलमी के एक्साइटिंग प्रोडक्ट, वो भी किफायती दामों में। रियलमी टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, टैबलेट और सभी एसेसरीज के प्रोडक्ट सिर्फ आपके नजदीकी रियलमी स्मार्ट स्टोर में। तुरस्कर कॉम्प्लेक्स, राजीव गांधी चौक, भंडारा। जिले में एक बार फिर बढ़ते संक्रमण के कारण प्रशासन को नई गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। इसके परिणाम स्वरूप फिर वैवाहिक सीजन पर इसका असर नजर आने लगा है। विवाह में केवल 50 लोगों की उपस्थिति के आदेश होने से जिन्होंने विवाह समारोह के लिए लॉन और मंगल कार्यालयों की बुकिंग की थी, उनमें से अधिकांश ने अपने ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। इसी तरह कैटरिंग, डेकोरेशन से लेकर अन्य वैवाहिक सीजन से जुड़े व्यवसाय के ऑर्डर कैंसिल होने लगे हैं या फिर उन्हें काफी कम राशि के ऑर्डर मिल रहे हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शहर के वैवाहिक कार्यों से जुड़े व्यवसायों का व्यवसाय संकट में फंस गया है। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब शादियों के मौसम में कोरोना के कारण पाबंदियां लगाई गई है। अब मंगल कार्यालयों, लॉन में रौनक नजर नहीं आ रहा है। सड़कों पर बारात निकालकर डीजे और ढोल संगीत के साथ निकलने का सिलसिला भी पूरी तरह से थम गया है। मुहूर्त पर विवाह संपन्न कराने वाले अब घरों में सीमित रिश्तेदारों की उपस्थिति में विवाह निपटाने लगे हैं। किसी भी विवाह समारोह की तैयारी के लिए कम से कम 3 महीने पूर्व से तैयारी करनी होती है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना संकट से विवाह समारोह पर इसका असर साफ नजर आ रहा है। पिछले वर्ष तो काफी गंभीर स्थिति थी। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कई विवाह समारोह को ऐन समय पर रद्द करना पड़ा था। पिछले 1 सप्ताह के भीतर दर्जनों विवाह समारोह कैंसिल कर दिए गए। इसका भारी नुकसान केवल लॉन, मंगल कार्यालयों के मालिकों को ही नहीं हुआ बल्कि कैटरिंग संचालक को, बैंड बाजा, डेकोरेशन, बिछायत, बुटीक पार्लर, वस्त्र परिधान, ज्वेलर्स, फूल बेचने वालों से लेकर मंगल कार्यालयों और लॉन के बाहर पान टपरी से लेकर अन्य चीजें बेचने वालों के व्यवसाय पर इसका असर हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश अनुसार विवाह समारोह में केवल 50 लोगों की उपस्थिति का नियम होने से इससे अधिक लोगों के पाए जाने पर आयोजकों पर सीधे 50,000 रुपयों का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। दंड के डर से संबंधितों ने विवाह समारोह को रद्द करना ही बेहतर समझा है। अब देखना ये है कि यह स्थिति कब तक बरकरार रहती है। आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले।